बहुत टाइम से सोलो लेवलिंग करके एक एनिमे वेब सीरीज है, उसको मैं देखना चाह रहा था। काफी सारे जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने इसके बारे में मुझे सजेस्ट भी किया था कि अजय बहुत अच्छी एक सीरीज है, हालांकि उन्होंने मुझे कभी इसकी कहानी नहीं बताई थी कि इसके अंदर क्या देखने को मिलने वाला। उन्होंने बस मुझे ऐसे कहा कि यार एक बार बस तू देख, तू सरप्राइज हो जाएगा इस सीरीज को देखकर। बट मेरा हमेशा की तरह एक ही घिसा पिटा बहाना, यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, यार टाइम नहीं मिल रहा मुझे इस सीरीज को देखने। लेकिन एटलीस्ट मैंने इस सीरीज के लिए टाइम निकाला और इस सीरीज को एक बार में ही कंप्लीट कर डाला। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले सोलो लेवलिंग वेब सीरीज यानी एनिमे वेब सीरीज के बारे में, जिसके अंदर आपको 13 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। और ये इस कदर की एनिमे सीरीज है, मतलब आपने इसका एक एपिसोड या दो एपिसोड देख लिए, आप इसको पूरी देखे बिना तो उठ ही नहीं पाओगे। मैंने एक साथ इसके सारे एपिसोड देख डाले। पर ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे बाद में टाइम नहीं मिलता, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसके साथ इतना ज्यादा एंगेज हो गया था इसका कंप्लीट सीजन करने के बाद, यानी फर्स्ट सीजन कंप्लीट करने के बाद मैं इसका सेकंड सीजन सर्च करने लग गया कि कब आएगा, क्या आ चुका है या नहीं आया, तो कितने कब आने वाला है। इस कदर की मेरे अंदर मतलब इसकी भूख बढ़ गई थी इसको देखने की। हाँ, बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो हमारी एक आम सी दुनिया के अंदर एक अलग डायमेंशन या फिर एक अलग दुनिया का गेट खुलने लग जाता है और इस गेट से मायावी, ताकतवर, खूंखार, खतरनाक जो है वो दानव आने स्टार्ट हो जाते हैं या हमारी इस दुनिया के अंदर, जो लोगों को मारना स्टार्ट करते हैं। अब इनको रोकना आम इंसानों के बस की बात है नहीं, इसके लिए कुछ स्पेशल लोग हैं जिनके पास स्पेशल पावर है, जिनको हंटर कहा गया। लेकिन ये जो हंटर है इनके अंदर भी पावर अलग अलग तरीके के, मतलब किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, और उनके पास कम ज्यादा इसी के आधार पर उनको रैंक दिया गया, ए बी सी डी ई करके रैंक दिया गया। जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है उसको एस रैंक दिया गया और जिसके पास सबसे कम पावर है उसको ई रैंक दिया गया है। मतलब ई रैंक का हंटर जो वो सबसे ज्यादा कमजोर है, वो इवन जिस तरीके का इसमें मजाक उड़ाते हुए मिलते हैं जिनका ई रैंक होता है कि यार तुम तो इंसानों से भी ज्यादा कमजोर हो, तो इसी के तरीके से यानी कि एक ई रैंक का हंटर होता है जिसका नाम होता है सुंग जिन वो, बड़ी मुश्किल से नाम याद किया है इसका। तो ये इसके पास ई रैंक होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है। अब ये जो इंसान है एक अपने मिशन के ऊपर जाता है, मतलब ये सुंग जिन वो एक मिशन पे जाता है अपनी टीम के साथ और उसके साथ एक ऐसी घटना घटित होती है कि इसको एक डिफरेंट तरीके की पावर मिलती है जिससे अकेला एक ऐसा हंटर बनता है जो अपना लेवल अप कर पाता है। अब आप इस एनिमे सीरीज के नाम से समझ जाओ सोलो लेवलिंग, यानी सोलो का मतलब अकेला, और अकेला लेवल कर पा रहा है। तो अकेला एक ऐसा हंटर होता है सुंग जिन वो जो अपना लेवल अप कर पाता है और धीरे 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 ये लेवल अप करके ई से ज्यादा रैंक पा पाता है। मतलब अभी सारी चीजें तो मैं डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि फिर आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बने और आप जाके इस एनिमे सीरीज को देखो। सोंग जिनवू की सबसे अच्छी बात मुझे इस एक अज्जो लगी, ये भले ही कमजोर था लेकिन इसके पास जीने का एक जज्बा था जो जीने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करने को तैयार था। और बेचारे की गरीब माँ, मतलब जो बीमार माँ है, हॉस्पिटल में भर्ती है और एक दिन ब्याई बहन है, ये बेचारा जैसे तैसे अपना जीवन यापन की कोशिश कर रहा है। ये चीज देख के मुझे काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग पार्ट सा मुझे लगा इसके अंदर। और अगर हम बात करें कि सीरीज में क्या अच्छा है और क्या क्या इसके अंदर कमियां, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे जो अच्छी अच्छी चीजें हैं। देखो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना लेवल अप करने का, वो इसको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। जो सुंग जिन वो को जिस तरीके की एबिलिटी मिलती है वो इस सीरीज को या फिर ये पूरी एंटायर एनिमे सीरीज को समझो कि एक कितना ज्यादा यूनिक और एंटरटेनिंग बनाता है कि हर एक बढ़ते एपिसोड के साथ आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। हालांकि आपको फर्स्ट एपिसोड के अंदर शायद वो चीजें समझ में ना आए, लेकिन आपको दो या तीन एपिसोड तो इसके साथ बने रहना होगा। जैसे ही दो या तीन एपिसोड आप इसके कंप्लीट कर लोगे, ऐसा मानो कि मतलब जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने इसको एक साथ इसका सीजन वन कंप्लीट कर डाला बिना रुके बिना थके। भाई साहब ऐसा नहीं कि मैं कहीं बोर हो रहा हूं, बस मुझे देखना था कि यार आगे क्या होने वाला, ऐसी एक्साइटमेंट मेरे अंदर बन गई थी। सेम वही चीज आपके अंदर हो जाएगा कि आपने एक बार इसके तीन एपिसोड या दो ही एपिसोड देख लिए तो डेफिनेटली आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि आप जानना चाहेंगे आगे क्या होगा, ये लेवल कैसे आप करेगा। आप इस सीरीज को देखते वक्त ऐसा फील करोगे कि आप गेम खेल रहे हो, जैसे कि आपने मोबाइल के अंदर कोई गेम खेली है, आपके पास कोई करेक्टर होता है, जब भी आपको मिशन पार करते हो तो आपको पॉइंट मिलते हैं, उस पॉइंट से आप उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इंटेलिजेंस को मतलब बढ़ाते हो जिससे वो करेक्टर जो है और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। सेम ऐसी ही इसके अंदर चीजें की गई है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगा, इस तरीके की चीजें देखकर इस सीरीज को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और जो जो एबिलिटी सुंग जिनवू को मिलती है जैसे जैसे वो मिशन पार करता है, वो जो एबिलिटी उसको स्पेशल एबिलिटी मिलती है वो कमाल की होती है, उनको देखकर काफी ज्यादा मजा आता है कि यार हाँ इसको कौन सी नई तरीके की एबिलिटी मिली है, इसका यूज ये कैसे करेगा। वो एक जो चीज हम उसके साथ एंगेज होते हैं ना वो कमाल की है। हाँ बाकी के कैरेक्टर्स हैं सीरीज के अंदर वो भी काफी पावरफुल दिखाए गए हैं, लेकिन अभी तक उनका इतना फोकस नहीं किया गया। ज्यादातर फोकस इस सीरीज में मैं कह सकता हूँ कि सुंग जिनवू का जो कैरेक्टर उसी पर किया गया है, उसका लेवल अप कैसे हो रहा है यही आगे चलते हुए दिखाया गया। मतलब बाकी जो कैरेक्टर जो मैं एक ड्रॉबैक में इसको काउंट करने वाला था, मतलब जो इसके अंदर कमियां हैं मैं उसी के अंदर इसको काउंट करता कि इसमें जो बाकी के कैरेक्टर उस पर इतना फोकस नहीं किया गया, हालांकि करना चाहिए था उनके ऊपर। खैर हम बात करेंगे उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो अच्छी अच्छी चीज चल रही है उसी के हम
बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे सुंग जुनवो का लेवल अप होता है, इसका बिहेवियर भी चेंज होता है, इसके बात करने का स्टाइल भी चेंज हो जाता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इसका बिहेवियर किस लेवल तक चेंज होता है, ये कितना खतरनाक बनता है, ये अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। जो बाकी के जो करेक्टर है जो काफी ज्यादा पावरफुल, इसमें थोड़ी बहुत झलक दिखाई जाती है कि वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल, क्या सुंग जुनवो का साथ देंगे या फिर इसकी बढ़ती पावर को देखकर इसके खिलाफ हो जाएंगे। यार इन तमाम सवालों के जवाब तो मैं खुद जानना चाहता हूँ। जब इसका सीजन 2 आएगा डेफिनेटली उसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही आएगा भाई साहब, एक साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे उसके एपिसोड रिलीज किए जाएं। पता नहीं, ये ज्यादातर एनिमे ऐसी सीरीज होती है, मतलब एनिमे सीरीज में जो काफी ज्यादा बढ़िया होती है उनके एक एक एपिसोड ही रिलीज करते हैं, जो इनकी मुझे सबसे बेकार चीज लगती है। ये एनिमे सीरीज की बात कर लो या फिर कोई भी वेब सीरीज आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, जैसे द बॉयज वेब सीरीज है, सीजन 4 चल रहा है, जिसके अंदर वो हर थर्सडे को ही एक एपिसोड रिलीज करते हैं, पता नहीं क्यों वो सब चीजें चला रखी है। लेकिन जब ये सीजन 2 आएगा डेफिनेटली वो काफी ज्यादा कमाल का, और जिस तरीके की मैंने एक क्रेज देखा है लोगों के अंदर, जो एनिमे जो लोग हैं इस एनिमे को पसंद कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये सीजन 2 आए और उसको देखें, मतलब वो जानना चाहते हैं कि कहानी के अंदर आगे कैसे बढ़ाया गया है। तो ये सब हो गए इस सीरीज की अच्छी अच्छी बातें। अब इसमें जो कमियां हैं अगर उसके बारे में बात करें, देखो सुंग जुनवो का जो करेक्टर है वो काफी ज्यादा एक तरीके से समझो पॉजिटिव है, वो हार नहीं मानता, उसके अंदर जीने का जज्बा है, डेफिनेटली वो एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है। लेकिन जिस तरीके की वो बकबक करता है वो बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। इसके अलावा हिंदी डबिंग मुझे इतनी खास नहीं लगी, वो एक नेगेटिव पॉइंट मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर जब मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हाँ इसके अंदर जो बाकी के करेक्टर उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया, वो एक मुझे सबसे ज्यादा एक नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि यार उसमें जो दूसरे करेक्टर थे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर थे, उनकी भी वो काफी ज्यादा पावरफुल उनको दिखाया गया, हालांकि उनके बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो मुझे एक ड्रॉबैक वो चीज लगी। उनके बारे में अगर बताते तो डेफिनेटली ये सीरीज और ज्यादा अच्छी हो सकती थी। देखो मेरी तरफ से तो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 8.5 out of 10। अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। बाकी वैसे कमेंट सेक्शन ओपन ही रहता है, उसके अंदर नील बटे सन्नाटा कमेंट आते हैं, तो थोड़े बहुत यस नो ऐसे हाँ देखी है वेखी है ऐसे कर दिया करो यार, क्या ही जाता है। खैर जिन्होंने नहीं देखी है तो आप जाकर देखो, आप एक बहुत बढ़िया एक कंटेंट, एक बढ़िया एनिमे सीरीज जो है वो मिस कर रहे हो, जैसे मैं मिस कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि ये आप लोग मिस करो। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।